तो आज बबलू सिंह जी श्रोता ने कहानी सुनावा एन आप देव हुंकारा। तो एक राजा साहब आ, अरे तो बबलू सिंह जी राजा साहब रे तीन लड़का, तीन लड़का जने दो दो साल री लड़का रे बीच में छेटी। राजा साहब कहिए बहुत तो बढ़िया राज चलत। तो राजा साहब एक कोई तो हो जो को बहुत ही बढ़िया ज्ञानी हो और बढ़िया तो हो, बिने कोई एक कोई आदमी लिया लिया भी तोता ने बाजार में फिरे, बाजार में फिरे जन के भाई बढ़िया तोतो है, कोई बढ़िया तोता रा बढ़िया पया देवो तो मैं था तोतो दे बोली लगावे। अब वो बोली लगावे बबलू सिंह, अब ज्यादा पया करे जन बबलू सिंह जी, जिनौरा पक्षी रा पया देवे कौन। इया करता करता पूरा नगर में घूमियो, अरे भी पक्षीरी अब वा रेट ज्यादा रे कारण कोई खरीदियो को कोनी। वो जगो कहीं एक तो ज्ञानी हो और वफादार हो, जन बिन्नी रेट ज्यादा ही कीमत ज्यादा ही। तो बबलू सिंह जी यहाँ करता करता विचार करियो कि अरे राजा साहब है, राजा साहब रे की कमी है को, आपा ही तोता ने राजा साहब ने कहवा के राजा साहब आप ही तोता ने ले लेओ खरीद लो। अगर राजा साहब ही नहीं खरीदी जन दूजो नगर देख। यहाँ कर एन राजा रे दरीखाने जाता, अब बबलू सिंह जी बटे नागी तलवारा रा राजा साहब रे पोरा लागे, जानी गावे बाजरी एन बाणी बजावे हाजरी। क्यों के राजा साहब राजा रो ऑर्डर चाल तो, और राजा कहता जू सब करता। सेवादार हाँ क्यों आज जना राज, अरे जनगी ओ राजा जोगी गन जल जारी उल्टी रीत, डर तारे जो परशुराम जी पच थोड़ी पाले प्रीत। तो राजा रो बबलू सिंह हर तरह लोगा ने अगर राजा बढ़िया हुए जन तो और ही अच्छी बात, एन राजा कोई एन कोई कोई ज्यादा अलग स्वभाव रो वे जन भाई लोगा ने डर लागे। अब यहाँ कर पोरादार बटे फोरो लगावे एन बो तोता ने लिया लिया बो बेचनी हो बट जातो दियो है। ओ गयो है दरवाजे माते सिपाही खड़ा है, सिपाही क्यों आप क्यों मैं वो तोतो पक्षी है एन इनो मोल तो यहाँ देखा जाना तो मैं इनो कमी करूं पर इनो मोल जको राह की जिकने वो बहुत ही अच्छो है, अनमोल है, अनमोल चीज है, पण मारे जरूरत पड़गी पिसारी जन मैं ही तोता ने बेचू, नित्र मैं ही तोता ने बेचू को। सिपाही जान राजा साहब ने कहो यो राजा साहब एक तोतो लिया फिरे एन बी आदमी रे जरूरत पड़गी री प्यारी, एन आप रे अगर वो तोतो खरीदो तो आप तोता ने खरीद ले वो। एन तोतो बहुत बढ़िया है, तोतो ज्ञान ज्ञान रूपी है, तोतो है, तोता में बहुत गुण है। अरे एन माँ भी देखियो भी तोता में तो बहुत ही तोतो दिखना में बढ़िया बातां करे, चतुर है, चतुर तोतो। राजा साहब क्यों रे बिना आदमी ऊपर भेजो, एन वो तोता रा कित्ता का ही रिपिया करे, एन बिने आपा रिपिया दे देवा। एन उबरे बुलायो बबलू सिंह जी वो तोता ने ले आप रे खड़ा 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 मेला छड़ दियो। अब भी तोता रो मोल बतायो है राजा साहब क्यों ही तोता ने भाई कई गुण है, क्यों राजा साहब ही तोता ने राखो जने आपने पत्तो चाल जाए, ओ तोतो वफादार है कोई में ही धोखो करे को, आप राखोला जने आप खुद के वो हकीकत में वो तोतो मिनक जड़ो मिनक टाइप, अरे मिनक काम नहीं करे जीतो तोतो काम कर देवे। आप री जीती कीती अटे
वातावरण ही तो आपने आन फटो फटो तो के देवेला आपरे अटे कोई अड़चन आउंदेला को कोनी सारी नगर री जानकारी ले एन आपने बताई ते राजा साहब बबलू सिंह जी भी तोता ने खरीद लियो क्यों राजा साहब रे कमी तो ही को कोनी राजा साहब खरीदियो है अब भी तोता ने बबलू सिंह जी राजा साहब पिंजरा मुबारे काट दी क्यों तोता ने राखनो है तो पक्षी है कैद में रखा को एनो आदमी केर गियो कि वफादार तोतो है पालतू तो आपा इन्हें मेला रे मैं रखा एन चुगो पानी खाई जो इन्हें दे देवा। अबे राजा साहब एक बबलू सिंह जी सेवादार बटे राख यो अबे एनी टाइम सुवारी सेवा करे है एन भी ने चुगो देवे अबे चुगो देवे बबलू सिंह जी अब वो तोतो बबलू सिंह जी सारा शहरी नगरी वातावरण बने बे आन राजा साहब ने के देवे बताए दे जने राजा साहब ने भी नगर रो पूरो पत्तो लाग चावे जने राजा फटोफट बटे न्याव कर देवे क्यों के अगली एज की स्टोरी तो कह देवे हाँ अबे पूरा नगर में राजा साहब री मान्यता बढ़िया हो ये भी शोभा बढ़ गई क्यों राजा वे तो अपना नगर जेड़ा राजा वे हाँ न्याय राजा है न्याय राजा मैनेड़ा राजा जल में खो कौन नहीं प्रजा सुखी है प्रजा बहुत सुखी इन राजा साहब ने जो को पत्तो पड़े अबे राजा साहब ने पत्तो कहीं पड़े बबलू सिंह जी तो अगली एज की स्टोरी बताई अबे तोता री करामात है अबे यहाँ करता करता बे राजा रा तीन कंवर राज को बबलू सिंह जी बड़ा हो किया राजा विचार करियो रे अबे ओस्ता कि अपनी आएगी बुढ़ा होगा एन रात कंवर है तीन राजकुमार अब किया कंवर ने राज सोपान कायदो तो बने मोटोड़ारो बन वही मोटोड़ा में और छोटकिया में अपने तो तीनों ही बराबर है अरे नहीं अबे तो आ रही आपा परीक्षा ले फिर राजा बनाए देवा घोषित कर देवा एन अगर आन में कोई तेज गुण है जिकने आप राजा बना बबलू सिंह जी तीनों ही लड़का ने राजा साहब दरबार में बुलाए लिया राजा साहब ऑर्डर दियो है एन तीनों ही लड़का हाजिर हो लिया। अबे सभा जुड़ी है बरकरार बबलू सिंह जी क्यों पूछो बाता गलिया ऊपर डलिया अमलारी मनवारा चाले अवे के ओखा तू ओखलियो गाजो नी गुजरा तो ताबी न सुनो रे पज रांडू लियारो राज अबे उठे ओको लोग दुनिया पिए है एन ओकारा डुड़का अबे बबलू सिंह जी राजा साहब कियो कंवर साहब तेनु ही कंवर मारे एक सिरिका एक समान अब मैं थाने तीन अरे महीनू कोई ने राजा बनानी चाहूं अरे मैं आपरी परीक्षा लिया बाद में कोई ने राजा बनाए एक अमर साहब क्यों कोई बात नहीं पिताजी बोलो कहीं परीक्षा अबे राजा साहब के मैं पहला कहूं रोज इकनू आपने जवाब पूछो है कंवर साहब अगर मार महीने कोई आदमी धोखो कर ले जने आप भी आदमी ने कई सज्जा देवो ओ बेलो कंवर बोलियो बबलू सिंह जी क्यों पिताजी आचो प्रश्न पूछियो आ तो आज पासी दे सीधो जवाब मैं तो आप ही टोड़ राजा मणिओड़ो है उन्हीं जने मैं सीधी भी ने पासी दे सोचो ही कोनी अबे दूजोड़ा लड़का ने कंवर ने पूछो है क्यों रे कंवर थारी समझ
एन थारी भाई समझदारी है जिकी मन बता है। ये जे हा गई प्रश्न है मामे दो को करे जन तू कहीं करी। अरे क्यों पिताजी भाई साहब तो देवे पासी पासी माते जाओ तो लगे टेम जला लावे एन जला लीजान पासी देवे। मैं जगो बटी फटोफट घाटी उड़ाई देव। पिताजी विचार करियो रे दो तो जवाब दियो तीजोड़ा ने पूछा। तीसरा कंवर साहब ने कहो कंवर साहब आप रे हो जैसे कोई राजा बनी ओड़ा हो एन आप में कोई धोखो कर ले जने आपका ही सजा देव। ए दो तो आप री मन में ही जकी बता जीवी। क्या पिताजी ये बात में भाई साहब तो कोई बात नहीं आपरी सोचे जड़ी बता दीवी। पिताजी हाँ धोखो तो आदमी में केड़ा में ही है जावे पर बिने सोच विचार ने बिने सजा दे। अरे क्यों के सजा तो आखिरी में फची दे दे मा तो थोड़ो लारे सोच एन कहो भाई पूछताछ करे मेरी जांच की जावे। हाँ तर्क विचार तर्क विचार कर एन फिर बाद में मिने सजा देवड़ी एन बिना विचारे एकदम ऑर्डर लेनो यहाँ कारण बबलू सिंह जी वो लड़को हो जो बबलू सिंह जी की परीक्षा में राजा साहब की और ओ लड़को पास। हाँ संतुष्ट था। अब यहाँ कारण बबलू सिंह जी राजा साहब की थोड़ा दिन बाद में ई नैन किया लड़का ने अपन कौन ने राजा मनाई। अब ए दो है जो तो कहवे फटोफट है तो एक तो कहवे पासी दे देवा ने एक कहवे फटोफट तलवारू घाटी काट देवा क्रोधी स्वभाव। यहाँ कारण बबलू सिंह जी वो तो जो को बबलू सिंह जी अब ए कोई क्यों स्वतंत्र हो पिंजरा में तो गाली ओड़ हो को आजाद हो बो उड़तो उड़तो बबलू सिंह जी अबे बागा में जातो गियो बागा में गियो है तो आगो गियो काशो क्यों राजा साहब रे बाग लंबो चोड़ो बट भी तो तारा पिता और माता जी आयो बो आप रे माता पिता कने जातो गियो माता पिता कने गियो बबलू सिंह जी जने माँ बाप बड़ा राजी क्यों रे बेटा थने कोई पकड़ लेगा कशा दी नू मिलियो बिछड़ गो। अब बेटा कटी माने छोड़ कटी जाजे ओ तो कियो पिताजी मैं राजा रो वफादार तो एन मैं राजा साहब ने छोड़ थान करने रही जे को एन पिताजी आप रे आ मुलाकात कोई अपने लिखी जने आप टायान मैं ही उड़ान भरी कह भाई हरिया हरिया बागा में फिर एन फाचा जान राजा साहब रे मेला में जाता ए माँ बाप क्यों भाई तोता बेटा थारी मर्जी है अरे। अब थन में भाई माडे तो रोक नहीं सका अपने पिताजी मैं राजा साहब हूँ पूछ छूट लेन में आऊ जो कई दिन आप रे खन मेरे जाने थारो यो एटो जाए। अबे बबलू सिंह जी घंटो अध घंटो वो तो लेट ही हो एन राजा साहब का वो तो आयो राजा साहब पूछियो तोतन क्यों रे तोता आज उड़ान भरी है बारे गया घंटो लेट कारण बताओ। क्यों राजा साहब कारण कहीं बताऊ मारा मात पिता मिल गा जन मने घंटो लेट हो क्यों रे अटे क्यों हाँ मारा मात पिता जन मैं बात में लागो हालचाल पूछिया एन वाणी हालचाल पूछी राजा साहब गलती तो मारी हो क्यों कोई बात नहीं तोता माँ बाप मिलगान घंटो लेट गो तो तू कोई गलत नहीं है मैं तने छूट करूं एन थारी कोई गलती है को कोई समस्या को नहीं। अबे बबलू सिंह जी यहाँ करता करता एक दिन तो किया क्यों राजा साहब 15 दिन मने आप छूट देवो बोल देवो तो मैं मारे माँ बाप हूँ काशा दिन बेड़ो रह जाऊं एन में आयोजन मारा माँ बाप बड़ा दुख में
आंसुड़ा रलकाया पण मैं आप रे अटे रे उन में आप रो वफादार हां बे जतन घणो करियो मैं मने घणो ही कियो राजा साहब कहीं ला रे आई कहीं करी पण मैं आप रे कारण पाछो आय कियो तो राजा साहब आप रो हुकम है वे तो मैं मारा मां बाप करने 15 दिन रे जाऊं 15 दिन है उतई मैं आप रे होलो दिन ही करूं को कोने हाजिर जाऊं हाजिर जाऊं राजा साहब एन आपरी कृपा वे तो जाऊं हां एन कृपा नहीं है वे तो राजा साहब जावा को कोने राजा साहब विचार करियो रे पक्षी है भोलो जी नौ रे हां एन आपरा मां बापा का ने हकीकत में सही है एन 15 दिनों आपने की फर्क पड़े को कोने एन ने 15 दिन अरी छोड़ दे दो एन ना मां बाप ही संतुष्ट हो जाए एन आपने भी आशीष मिली क्या भाई राजा भलो हो जो को आपनो बेटा ने मिला दियो अबे बबलू सिंह जी भी तोता ने राजा साहब छूट दे दीवी राजा साहब क्यों रे तोता आनी मार में धोखो करन जातो रे एन मैं तने मारे बेटा है 3 जिकाऊं तने मैं छोटोड़ो बेटो समझू तो मार में धोखो कर जे मती विश्वासघात कियो राजा साहब आप मार माते विश्वास करियो तो विश्वास आप जान जो आऊ जने आपने पत्तो पड़ जाए राजा साहब तो वचना में तोता ने ले एन बबलू सिंह जी छूट दे दीवी अबे बबलू सिंह जी छूट दीवी है एन तोता साहब तो उड़ान भर दीवी उड़ान भरी जन वे मां बाप बटे हरिया बागा में बैठा दोनों इनके वो तोतो गियो बाढ़ जो फाचो आया दोनों ही मां बाप बड़ा राजी एन की ओरे बेटा राजा साहब थारे माते दया करी एन तने 15 दिनारी छूट दे कृपा करी अबे बबलू सिंह जी वे 15 दिन आपरे तोतो बटे रेवे है एन रोजना आपरी हगरी बुंडी बाता करे अबे माँ बाप री बाता सुने कणी पितारी सुने कणी तोतो खुद केवे के भाई राजा में आवी आवी एन मैं राजा ने पूरा समाचार क्यों एन राजा साहब पिताजी माताजी मने तेन कंवर है जिगने छोतोड़ो कौर समझ मने रख एन मार में की दुतिया बाव रखे को ए दोनों ही माँ बाप संतुष्टिया कियो वारे राजा अनु वारे राजा एन मारो बेटो होरो है अब मारो बेटो पाचो जाए तो ही माने की दिक्कत को कोनी तकलीफ कोनी इया बबलू सिंह जी बाता करे बाता रा दिन बबलू सिंह जी वे गई अब वे 15 दिन किया जो बबलू सिंह जी राजा ने तोता ने तोता रे मात पिता ने की पत्तो ही पड़ियो को कौन क्यों के 15 दिन बबलू सिंह जी घना आगा वे को कौन अब वे 15 दिन पूरा आया है एन तोतो कहो क्यों पिता जी एन माता जी अब राजा रो कोल है एन वचना रो बंदियो आयो अरे एन में पाचो जाऊं माता पिता की ओरे राजा एड़ो आदमी है तो राजा रे कोई एड़ी बढ़िया चीज भेजा जब वो राजा साहब बड़ा प्रश्न है एन बेटा ने होरो राख अब वे तोता पुगा जगो बबलू सिंह जी वे उठे बिना माता और पिता भी तोता ने बबलू सिंह जी के अमर फल दियो अरे क्यों थारा राजा ने अमर फल दे दे जे एन थारो राजा वो अमर फल खाई जन थारे राजा कोई भी तकलीफ है बूढ़ो है जिकनो जवान बन जाए जन थारी राजा री और उम्र है जो को लंबी हो जने थू बेटा रे जित थारे की तकलीफ रे को अबे अमर फल तोड़ियो है एन आपरे बेटा तोता ने दे दियो क्यों बेटा हावड़ सुरक्षित ली जाजे
एन राजा साहब ने दी दे दे। अबे बबलू सिंह जी अबे तोतो भी फड़ने लिया लिया उडियो उडियो जावे। एन बबलू सिंह जी रात में अबे देख क्यों क्यों रे रात में राजा साहब करने तो जाइजे को आज री रात है जो कोई पेड़ माते रुक जावा। अबे बबलू सिंह जी मोटो पेड़ देख एन तोतो जो को बटे पेड़ माते ठहर गियो। अब ओ कियो अमर फल है एन पेड़ माते ओ ठहरे कोन क्यों गोल है ए नींद आई जनो नीचो पड़ जाए। नी एवे तो आ खोकाल है पेड़ रे डाला में ई खोकाल रे मैं अदर ठहराई। सुबह दिन उगी जन अमर फल लेन राजा साहब बटे चाल इया गण बबलू सिंह जी। अबे तोता राम तो वो फल रख एन आपरे पेड़ माते आपरे गेरी नींद लेनो शुरू हो। बी खोकाल में बबलू सिंह जी एक सर्प दे उतारे सर्प दे उतारे वे जन सर्प देवता ओले एक सा बारे आया बारे आया न वो आपरे एन मुंडा आगे वो गोल गोल अमर फल पड़ियो अमर फल पड़ियो उनके उन्हें जोर उन ठूंढरी मारिए। अब फिर मैंने दो दो तीन दांत दांत गड़ना रे कारणु वो जेरो दांता में जो को भी फल में मिल गियो। अब वो सर्प देवता तो जेर में गाल दियो है एन तोता साहब सुबह नींद उठिया वो फाटी पगड़ा भया उठो राजा भोजरा देवो चिड़िया ने छोड़। अवे सुबेरी पोरी भी है एन तोतो की ओरे चालो 15 दिन पूरा होगा एन राजा साहब ओढ़ बो दे। अरे अब अमर पड़ लेन बबलू सिंह जी तोतो उडियो है उड़ान भरी है कणी बीचे रुके कणी वो गोल है जो को अमर पड़ नीचो पड़ जा कणी फाचो उठावे यू करता करता राजा साहब कने आए पहुंच गो। राजा साहब कने आया राजा साहब क्यों रे तोता बचना रो बंदियो आए पहुंच गो। कियो राजा साहब थारे मारे बीचे कोलो एन आप कियो 15 रो होल वो दिन कर्जे तो मैं तो राजा साहब आप रो वफादार हूँ एन आप मने चोतोड़ो कौर लड़को समझो जने राजा साहब मारो खोलियो पक्षी है पर मैं आप रो कौर हूँ फर्ज बने फर्ज बने मारा माँ बाप आप रे एक चीज भेजी अरे जको आपने दूजा ने देनी नी आप इज जिम्मो अनमोल है अनमोल चीज है इरो कोई मोल है को कोनी एन मैं बहुत दोरी लायो कई रस्ता रे मैंने रुकियो जने आ मारे खाते आ चीज आई कई समस्या आई। अबे यहाँ कर्ण बबलू सिंह जी अड़नु मंत्री संतरी सगली सभा बैठी एक मंत्री बोलियो राजा साहब ओ फल है ई फल में राजा साहब कंटा की गुण वे एन आप टारा राजा हो ए फल मो राजा साहब आधो टुकड़ो तीजो इंसो काट एन कोई दूजा पक्षी ने खिलाए देवो एन वो पक्षी खावे एन बीरे की नी बिगड़े फिर बाद में आप जीम ले जो। अवे बबलू सिंह जी भी फल अमर फल रो तीजो ईसो काट्यो है एने कराई कराई करतो कागलो बटे आय कागलो आयो न बबलू सिंह जी एकदम इन्हें काट फेंक्यो कागला रो जीव या कर हेंगो पहली बोझ भाजियो बो जान मैं टोंच दीवी है एन थोड़ो सो कस में पेट में की सर्प दे उतारो जे रो जो को उन कागला ने पेट में जातो लियो फेल गो बो कागलो जो को बबलू सिंह जी आगे जा गई मर गियो खत्म हो गो खत्म ही हो एन मंत्री कियो राजा साहब ये मैं देखो तोतो आप में जाड़ करिए
एना बारा मर जाता मैं राजा ने खोई देवता एन मैं राजा लाउता कहूंगा आपरा लड़का है जो को जवान है एन आप जेड़ा राजा मिले को न्याय हो राजा राजा साहब बबलू सिंह जी बेई रीस करी अवे बबलू सिंह जी रीस करी एडी रिजाल छोटी छोटी रिजाल एडी मंत्री बात में मंत्री ने कियो वाह मंत्री कई थारी बुद्धि है कई तरकीब लगाई एन अगर वो मो मैं अमरपोल खाई जातो तो मैं तो मर जाओ तो एनी तोता ने मैं बेटों बतो जानियो मार में ज जाल कर लियो धोखो यहाँ कारण बबलू सिंह जी अब भी तोता ने तो बबलू सिंह जी खत्म कराए लियो ओ अमर पड़ो बबलू सिंह जी वो लारे बच्चूड़ो आदो राजा ऑर्डर दियो रे जाओ रे इन अमर पड़ ने कट्टी जा ए नाडीरी पाल माते लिजान गाड़ दो औरों कोई बाबड़ा जिनोरे कोई भी जे मनुष्य कोई खा जावे तो अमर पड़ खानो मर अबे दो आदमियों ने हुक्म दियो है एन कहता जेज लागी एन आदमी जा बबलू सिंह जी एन बिन अमर पड़ने नाडीरी पाल माते गाड दियो अबे एनो बबलू सिंह जी वर्षाद्री ही टेम जनकियो इंदरे थू ओलरियो दरियो शंकर ध्यान गन आई काली घटा जन लीनी बारे मेघमाल बरसाद्री टाइमी साउन बाद वारो महीना एन बबलू सिंह जी वो गाड़ी ओडो अमरपाल बिर में बीज वो अमरफल रो पौधो बण पौधो बणियो बबलू सिंह जी अब क्या उतरण चाले जड़ू जवान वे धीरे धीरे वो पौधो मोटो बण मोटो बणियो बबलू सिंह जी अब भी ने अमरफल लागना सारू हो अब अमरफल लागा हगे सेम टू सेम राजा उठ दियो पूरा नगर में कह रहे वो तोतो लायो अमरफल जगो बीज गाड़ियो फल जगनो ओ पेड़ बण अब भाई नगर रा छोटा मोटा आदमी मनुष्य औरता ई अमर फल रो फल कोई खाजो एन खाएगा तो भाई मर एन मारो शक तोड़ रे जको कोई खाजो जने बबलू सिंह जी राजा रो ऑर्डर है जने अमर फल कुण एन हकीकत में बिंटे में सबारे महीने वो जिन्नौर कागलो जो को खत्म हो अब वे नगरवासी बबलू सिंह जी बिने पेड़ रे नीचा करी जावे को अब वे फल पड़ी पड़ जावे कर जावे हिड़ जावे पण कोई मुंडू ही देवे को इया करता करता बबलू सिंह जी काशा दिन बदीतमान हो एक बार ले पाड़े डोकरो डोकरी रे बुढ़ा बुढ़ी मारे बबलू सिंह जी टाबरिया हाको अब मारे टाबर कोनी जन बबलू सिंह जी बुढ़ा पुआई बुढ़ा पावे जन बबलू सिंह जी बीटे में औलादरी जरूरत पड़े एन मारे औलाद ही को अब बबलू सिंह जी बाणू हाथ पग बाणा कम चाले कम काम करे अब बाणू मते रोटी बनान खाईजे को अब सेमान सब पण बबलू सिंह जी सेमान एणू कई वे हाथ पग हाले जने काम है वे हारो कोई हो को ए दोनों जना विचार करियो रे वो अमर फल है जो को जहर है जगो जे रे जगो आपा दोनों जना आला जगो अमर फल दोनों जना जीमला जने आपा खत्म हो जावा जने आपाणी ने शरीरो खोलियो छूट जाय जने आपा दुख पावा को कोने ए बबलू सिंह जी अबे ओले ओले हिरगता करता जावता बैठता उड़ता गिया बुढ़ा अबे रगड़ीसता धोरा धोरी बट पहुंच अबे अमर बोल बबलू सिंह जी गेरो छायोड़ो चौको चौका फल देख एंड डोकरो डोकरी
कोशिश कर बबलू सिंह जी बढ़िया बढ़िया देख एक को अमरफल ले लियो। एन एक को अमरफल बबलू सिंह खायो है। एन बबलू सिंह जी बूढ़ा रावे मोटियार जवान बन लिया। एन गोडा दुखता ही रहेगा कमर दुखती रहेगी शरीर में जान आई। दोनों डोगरो डोगरी क्यों ये माँ डोकरी मार में तो शरीर में जान आएगी या क्यों मार में ही आएगी। अब दोनों ही बेतो एकदम रेडी रेट बन गया। रेडी रेट बनिया बबलू सिंह जी ने नो टबर नावे जू दोनों नावे एन आपरे फाचा घरा जाता। अब बटे अड़ोस पड़ोस रहा बबलू सिंह जी माने देख यान क्यों रे तो बूढ़ा बूढ़ी आन अणता रोन की चेंचेगा। रूप चेंज को पूछो रे करियो कहीं कहीं जादू मंत्र करियो जो को था एड़ा बनगा फाचा। माने बताओ क्यों बतावा कहीं अटेक राजा साहब फड़ो जो गाड़ियो जयराड़ो अमर फल जने राजा साहब की ओ कोई भाई वो जयराड़ो अमर फल खाजो जने मातो काटा काया योड़ा तंग योड़ा बटे हिरकता हिरकता गिया जो को दो फल दोनों एक को खाए खाओते ही शरीर में जान आएगी ताकत आएगी ताकत आएगी। अब आर जे कोई मारू कुश्ती आवे तो बिन में दारू को पटक दा। ए आगण बबलू सिंह जी वे आड़ोसी पड़ोसी दौड़िया जको राजा साहब कने जाता लिया। क्यों राजा साहब फिरियाद राजा साहब फिरियाद राजा क्यों रे कह रही फिरियाद है। क्यों राजा साहब गजबरा घरेगा आप वो फलो गाड़ियो जिकनो बीज उगो जको ता कहता के वो अमर फल है जको जहर है एन बे दोनों डोकरो डोकरी खाया जो को फाचा जवान बन गया चमत्कार हुआ। एन में हकीकत में देख नाया एन भी में कोई गलत है को कोने तो राजा साहब कान्ना रा बबलू सिंह काचा है उता फटोफट ऑर्डर दियो क्यों रे सिपाया जाओ बंद ले रहो सिपाही जान गयो पधारो आपने राजा साहब बुला बुलाओ भेजियो। तो बबलू सिंह जी जान ही शरीर में ताकतवर बनी ओडा एन फटोफट हाथ भी रोई लिया फुरते हूं। राजा साहब देखियो बबलू सिंह जी विचार में पड़गा क्यों रे तो ओल की जी कोनी एन है तो बुढ़ा काटे ये तो मरनाला एन फाचा है तो मोटियार जड़ा बन लिया चेंज होगा। क्यों डोकरा डोकरी ने पूछियो क्यों रे ता करियो कहीं क्यों करा कहीं राजा साहब मानी दोनों री हालत बड़ी खराब होगी मारे आगे लारे कोई हैकट जाने मा तो मरता है अमर फल खाया के फल खावा जाने आपा वो जेर खावा जाने मर जाने राजा साहब गिया तो ई खतर पण राजा साहब में तो एन का बनगा जगो मान में तो जान आएगी मैं तो मोटियार टाइप रहा है उगा अमर फल रे करामात है एना करामात मा फड़ा की राजा क्यों रे एक दो और बूढ़ा ने खाड़ो और पताणो परियो करो दो चार माते दशा माते पहचानो एन बेबी मान लो पाचा चौका बन जावे जने आप आटे गांव रे महीने कोई नहीं अमर फल खाड़ा जन वो तोतो हकीकत में वफादार तोतो हो एन आपा भी तोता ने गलत मार दियो की होचे कोनी। अब बबलू सिंह जी जीता के तई बूढ़ा बूढ़ा डोकरा डोकरी ने हो दो एन बे फल खाड़िया अमर फल खाड़िया बबलू सिंह जी बे हाज तई हगड़ी बढ़िया बन दिया। अब वे बढ़िया बनिया एन अब राजा साहब बबलू सिंह जी पिस्ता वो करे सोच करे अबे राजा पिस्ता वो करे पण बबलू सिंह जी करे तो के करे आते किना कामड़ा किणने देवे दोष काजी थारी पालड़ी पच कांदो लीवी कोश राजा साहब सोच विचार तो करियो कोन एन फट ऑर्डर दियो जो को सुआ ने मरवा यो हो। अबे बबलू सिंह जी राजा पिस्ता वो करे है एन राजा की ओर वो अपनो तीजे नंबर कौर अपने गणो कहो के भाई सोच विचार
एन फिर बाद में आदमी ने फैसलो लेनो। अमल करनो बात माते। बात माते अमन करनो एन हकीकत में आदमी ने फचे पिस्तया की है कोई चिड़िया खेत चुग पश्चाताप करियो पण बबलू सिंह जी लारू तो पचे फिंचा में लागे तो ई कहानी रो सारांश है के आदमी सोच विचार कर एन आगे कदम उठानो चाहिए। चाहे राजा महाराजा है वो, चाहे कोई भी आदमी है वो, चाहे पत्नी है वो, चाहे पति है वो, कोई भी आदमी फैसलो लेनो तो थोड़ो सोच विचार पांच मिनट जय जू लेनो तो बीरो कहीं एक निकाल निकले अरे। तो फच्चे पिस्ता हो रे को। अगर राजा साहब भी तोता रो अगर मारता तो फची मार सकता पर हाथों हाथ नहीं मारता नहीं तो वो तो बच जाओ तो पर राजा ने रीस आएगी अरनु मंत्री साहब उकसाई दिया जने तोता ने मार दियो फटाफट निर्णय ले लियो जने बबलू सिंह जी वो तीजे नंबर लड़को वो कयो नहीं के राजा साहब कोई भी अपन में धोखो करे तो बिने सोच समझ मारनो चाहिए तर्क विचार करो तो बिने तो बनायो राजा तीजे नंबर ने एन बबलू सिंह जी राजा साहब सुआ तोता ने मारियो जिकनो पिस्ता वो आवे है तो राजा साहब ने तीज ने बनाया एल राजा एन खाया पिया थाट करिया